हेलो गाइस, जग चुके हैं अपन। अब तैयार हो रहे हैं, दीमापुर निकलना है जैसा कि आपको पता है। अच्छा, और ड्राइवर को कॉल करेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल चलते हैं नहाने, नहा के कपड़े रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं दीमापुर के लिए। और जर्नी दिखाते हैं आपको, बने रही है हमारे साथ। 2,000 years later. हम रेडी हो चुके हैं गैस जाने के लिए दीमापुर। बस ब्रेकफास्ट के लिए बोला है, ब्रेकफास्ट करके फिर निकल जाएंगे। निकल चुके हैं गैस। ये रोड बहुत अच्छा है। आगे में आपको अभी हिल्स एरिया आएगा थोड़ा। अच्छा, हिल्स भी है इधर? हिल्स मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा है, नॉर्मल नॉर्मल, लेकिन पूरा जंगली है इसको। ये जंगल का नाम है नंबर हबी, ठीक है? नंबर हबी, हाँ, नंबर जंगल। अच्छा, ये आज से मतलब 30-35 साल पहले यहाँ पे दिन में ही डकैती होता था, ठीक है? दिन में ही होता था। हाँ, जो सुपाल से आता है ना, हाँ, वो पेड़ के ऊपर सारा डकैत रहता है। बस जैसे जैसे आता है वो जंप कर जाता है, वो सारा सोना कपड़ा वगैरह पैसा सब लूट लेता था। अभी ऐसा नहीं है, अभी नॉर्मल हो गया है। अभी नॉर्मल मतलब अभी है ही नहीं। अच्छा, अभी है ही नहीं बिल्कुल। हाँ, अभी रोड भी अच्छा हो गया, गाड़ी भी ज्यादा चलने लगा। हाँ, गाड़ी कम चलता था, ठीक है? पहले रोड खराब होगा ना, तो धीरे ही जाता होगा। धीरे धीरे चलता था। रोड खराब मतलब बहुत ही खराब था, ठीक है? और इतना सोना ही नहीं था, एक ही पार्ट था। अच्छा, तो अभी आदमी भी थोड़ा डेवलप हो गया, तो इसलिए वो सब सोच दिया। और अभी मतलब हाथी कभी कभी दिख जाते थे। मतलब इस जंगल में एलिफेंट्स ज्यादा है? हाँ, एलिफेंट, टाइगर सब है। टाइगर भी है? हाँ, राइनो भी है। राइनो भी है, मतलब रोड पे आ जाते हैं ये एलिफेंट? रोड पे आ जाते हैं एलिफेंट, आ जाते हैं। बाकी सब रोड पे नहीं आता। रोड पे मतलब जो क्रॉस होता है, क्रॉस, हाँ, जैसे इस साइड से। हाँ, तो उसी समय गाड़ी पास में मिलने से दिख जाती है। बहुत बड़ा जंगल है ये। अच्छा, यहाँ से शुरू हो गया घना जंगल। रात में जैसे हम कल आ रहे थे, तो कल तो इसमें अंधेरा अंधेरा हो जाता पूरा पूरा अंधेरा। हाँ, मतलब आसपास कुछ भी नहीं मिलता, इसीलिए डाकू लोगों का सुविधा है। अच्छा, आजकल मतलब सोच दिया। कितने किलोमीटर में होगा ये पूरा? ये लंबा है आपका, लगभग 43 किलोमीटर होगा। 43 किलोमीटर है? उससे ज्यादा भी हो सकता है। लंबा जंगल, गर्म पानी हर वक्त निकलता है। हर वक्त गर्म पानी निकलता है। हाँ, ये रास्ते में ही पड़ेगा? हाँ, रास्ते में ही है। अच्छा, तो वो रिजर्व और ये रिजर्व कनेक्ट है, मतलब ये नंबर रिजर्व और वो गर्म पानी रिजर्व। हाँ हाँ, हाँ। दोनों कनेक्ट है, लेकिन नंबर बड़ा है, गर्म पानी एरिया थोड़ा छोटा है। गर्म पानी कैसा, मतलब इलाका है या फिर ऐसे वो है? ऐसे स्विमिंग पूल टाइप का है। अच्छा, स्विमिंग पूल टाइप, उसमें नीचे से हर वक्त पानी निकलता पानी है, गर्म पानी। अच्छा अच्छा, तो कहाँ से आता है, किससे आता है, किसी को मालूम? ये रोड के बगल में या फिर कुछ दूर जाना पड़ता है? रोड के बगल में ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, वही वही पूल है गर्म पानी का। आप अभी देख लीजिए, आदमी भी है अभी। गोइंग टुवर्ड्स गर्म पानी। ये रास्ता पहले यहाँ से था, ठीक है? अच्छा, अभी ये यहाँ कनेक्ट है, पहले यहाँ से। अच्छा, पहले उधर से आते थे? हाँ, थोड़ा कम ऐसा नहीं होगा। वही है पूल। ये है गरम पानी। पानी सुख के देखिए तो अभी गर्म है कि नहीं। इट्स अ टूरिस्ट प्लेस आल्सो। गरम पानी, ओके, देखते हैं क्या पानी सही में गर्म है क्या। इसको गरम पानी बोलते हैं गाइस।
अरे सही में गरम है। अच्छा वो वहाँ वहाँ बुलबुला निकल रहा है ना, उसी से गरम होता है। अच्छा अच्छा वो रहा। फ्रिज ये जंगल था गाइस, घूम लिया हमने। गर्म पानी, ये पीछे स्विमिंग पूल टाइप है, यहाँ से गर्म पानी निकलता है। टिकट तो कटाया जंगल घूमने का, पर टाइम नहीं है गाइस जंगल घूमने का। ये वहीं भी रिश्ता जिसपे अभी हम आए घूम के। 2000 years later. ये दीमापुर है गाइस। 2000 years later. नागालैंड से घूम के आ चुके हैं गाइस, और जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी तरह से थक चुके हैं घूम के। अब घूमने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, अब मन कर रहा है वापस दिल्ली जाने का। कब खत्म होगा ये जर्नी, बस यही सोच रहे हैं। और गाइस ऐसा है कि जैसे कि पहले ड्राइवर ने हमें डरा दिया था कि दीमापुर में ये होगा वो होगा, कुछ नहीं है गाइस। जैसा कि मैंने एक छोटा सा क्लिप, टाइम तो नहीं मिला वहाँ ब्लॉग करने का, पर छोटा सा मैंने एक क्लिप बनाया। नॉर्मल सिटी है, अच्छा मतलब अच्छा है। वही ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि सड़कें थोड़ी वो है ना, पतली पतली, इसलिए। और एक साइड में लोग व्हीकल पार्क कर देते हैं, तो जैसे गाड़ी पार्क करना था तो वो मेरे ड्राइवर को लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आगे जाना पड़ा। बस बाकी कुछ दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं। और पता नहीं क्यों ही लोग बोलते हैं नागालैंड ये वो। वैसे मैं जाने से पहले तो काफ़ी डर गया था कि पता नहीं क्या होगा नागालैंड में ये वो, रास्ते पर भी डर रहा था मैं। पर जाके देखा इट्स लाइक नॉर्मल सिटी, मतलब छोटी सी सिटी है, कुछ नहीं है ऐसा जैसा कि मैंने सुना है कि ये होगा ये होगा। हाँ इनफैक्ट नागालैंड के किसी दूसरे इलाके में जो कि सिटी से वेल कनेक्टेड नहीं है वहाँ कुछ होता हो, पर दीमापुर तो अच्छी वेल मेंटेन्ड सिटी है। मतलब अच्छा लगा मतलब देख के दीमापुर। और नॉर्मल ऐसे ये सारे र्यूमर्स है कि लोग वहाँ के ख़राब होते हैं ये वो, सारे र्यूमर्स हैं, मुझे तो ऐसा लगा। इनफैक्ट मैं जहाँ विज़िट किया मैंने, इनफैक्ट वो लोग भी अच्छे थे। हाँ उन्हें थोड़ी वो हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, बट हाँ हमने कम्युनिकेट किया इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं हुई। और अच्छे लोग थे, मतलब मज़ा आया। उन्होंने चाय भी ऑफ़र करा, और हाँ वो क्या बोलते हैं इसको, लेमन टी जो होती है ना बिना दूध वाले चाय, यहाँ वही चलता है आसाम, पूरे आसाम में। क्योंकि जब से मैं आया हूँ तब से वो लेमन टी ही पी रहा हूँ। सो उन्होंने वो भी ऑफ़र करा, अच्छे हैं। अच्छा विज़िट अच्छा हुआ अपना दीमापुर का, मतलब र्यूमर्स ही है। सो आप इन र्यूमर्स पे ज़्यादा ध्यान ना दे गाइस, अच्छा है दीमापुर सिटी। हाँ पर रात में मैं नहीं गया क्योंकि ड्राइवर बोले कि आप नहीं जाना सर ये वो, फिर डर तो लगता है ना क्योंकि आपने नहीं घूमा कहीं, आप उसके भरोसे जा रहे हो और वो बोल रहे हैं कि ऐसा है सिटी ऐसा है। पर हाँ सही है, अपना विज़िट हो गया डन, अब अपन जा रहे हैं गुवाहाटी। सो गाइस स्टे ट्यून्ड। और आज का प्लान ये है, अभी बज रहे हैं 7 और 10 बजे हमारी ट्रेन है मरियानी जंक्शन से गुवाहाटी तक, मतलब गुवाहाटी के लिए 10 बजे है। राजधानी एक जाती है 10 बजे, 10:30 में अप्रॉक्स वो उसका ट्रेन है गुवाहाटी तक। गुवाहाटी जा रहा है, संडे गुवाहाटी रुकेंगे और मंडे दिल्ली के लिए निकलेंगे गाइस, मोस्ट प्रोबेबली अगर सब कुछ सही रहा तो अपन ट्यूसडे वेडनेसडे तक पहुंच जाएंगे दिल्ली। सो आज का यही था ब्लॉग, नेक्स्ट ब्लॉग चलते हैं आपको ले चलते हैं गुवाहाटी, जोरहट टू गुवाहाटी, इनफैक्ट मरियानी जंक्शन टू। ये नागालैंड का ब्लॉग था, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। मतलब स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि काफ़ी वो डरावना जगह होगा ये,
नॉर्मल वही है कि दिन में अगर काम हो तो दिन में जाओ, काम करके वापस आ जाओ, रात के लिए सही नहीं है। पर हमें भी तो दिन में ही था, कल ना जाके आज गए और वापस आ गए हैं। मैं वापस आ गया था इनफैक्ट 5 बजे, जैसे कि आपको देख रहा आके मैं सो गया था। ये जगह सोचा कि ब्लॉग भी एंड करना है। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।